बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन्स पर uh, काम करवाया था आपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट नुआ से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन को प्रेस कर दें तो हम का बटन भी प्रेस करें ताकि इस चैनल के लोगों या इस चैनल की टीम की हौसला अफजाई होती रहे और बेहतर तरीके से बर वक्त आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहें और आप इस चैनल की रिसेंट अपडेट से भी अवेयर रहें हमने उसी लेक्चर को प्रोसीड करना है आज हमने बेसिकली तीन प्रूफ आपको करवाने हैं जो बेसिकली वन वन ऑन टू बाटिव से रिलेटेड होंगे तो चलते हैं अपने पहले प्रूफ की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी ए से बी तक एक फंक्शन है और दूसरा आपके पास फंक्शन है जी जो बी से सी तक है आपने प्रूफ करना है कि अगर आपके पास एफ और जी दो वन वन फंक्शंस हैं तो उनकी कंपोजिशन बी जी ऑफ एफ जो है वो भी वन वन होगी दूसरे अल्फाज में ये स्टेटमेंट के फॉर्म में इसी के से आ सकता है प्रूव दैट कंपोजिशन ऑफ टू वन वन फंक्शन की अगर आप कंपोजिशन बनाए तो दोबारा ही आपके पास one one ही एग्जिस्ट करेगी चीज तो पहले मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि वन वन फंक्शन कब होता है और कब वन वन फंक्शन नहीं होता तो प्रीवियस लेक्चर में बताया मैं रिपीट कर देती हूँ किसी फंक्शन फॉर एग्जाम्पल एफ को आप वन वन शो करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने उसकी दो प्री सॉरी uh, इमेजेस को इक्वल रखना होता है ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दो इमेजेस हैं और अगर इससे आप क्या प्रूव कर दें इससे आप प्रूव कर दें कि एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाए मतलब दो इमेजेस को इक्वल रखते हुए आप प्री इमेजेस को क्या कर दें इक्वल प्रूव कर दें तो वो फंक्शन आपके पास क्या बन जाता है वन वन अगर आप ये साबित करने के काबिल नहीं रहते मतलब ये साबित नहीं कर पाते मतलब दो इमेजेस को इक्वल रखा है और यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन आ जाता है तो फिर ये फंक्शन वन वन नहीं रहेगा तो बेसिकली मैंने क्या प्रूव करना है मैंने इस चीज को वन वन प्रूव करना है जी ऑफ एफ तो मेरा टारगेट क्या है कि मैं जी ऑफ एफ को ऑपरेट करूँ किस पर एक्स पर और जी ऑफ एफ को ही ऑपरेट करूँ किस पर वाई पर और ये ऑपरेट करते हुए मेरे पास आंसर क्या किसके इक्वल आना चाहिए एक्स इज इक्वल टू वाई अगर तो ये जो रेड वाला मैंने पोर्शन लिखा है ये सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर ये जी ऑफ एफ जो बेसिकली कंपोजिशन है वो आपके पास वन वन बन जाएगी तो चलो तो प्रूव करते हैं बहुत आसान है मुश्किल नहीं है आप सपोज कर लें सपोज व्हाट जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ वाई मतलब आपने दो इमेजेस को कंपोजिशन की इमेजेस को ये बेसिकली कंपोजिशन है कंपोजिशन की दो इमेजेस को इक्वल रखा है आप प्रूव ये करना चाह रहे हैं कि फिर जो प्री इमेजेस हैं एक्स और वाई ये भी आपस में क्या आए इक्वल आनी चाहिए तो इसको प्रोसीड करते हैं इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं इस चीज को आप ये लिख सकते हैं जी एफ X, G, F, Y. ये आपके प्रूफ का हिस्सा नहीं है ये प्रूफ है ठीक है अब जरा यहां पर गौर करिएगा आपके अब आप मैं इस चीज इसके बाद मैं एक स्टेप लिखने लगी हूं ये इसकी इसका रेफरेंस मैं भी यहां पर लिखती हूं मैं इस चीज को लिख सकती हूं जी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट इस चीज को एक मिनट इस चीज को हम लिख सकते हैं एफ एक्स और इस चीज को लिख सकते हैं एफ वाई रीजन में बताने लगी हूँ क्यों लिखा है रीजन ये है सिंस जी इज वन वन जी आपके पास वन वन उसने दिया हुआ जी आर एफ और जी दोनों फिलहाल हम लोगों ने किसको वन वन यूज किया है जी को जी अगर वन वन हो तो वन वन तो ये कहता है कि जो अंदर वाली चीजें हैं वो आपस में क्या हो जाए इक्वल तो अंदर तो एफ ऑफ एक्स पड़ा और यहां एफ ऑफ वाई तो इसका मतलब है अगर ये वन वन है तो फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ वाई के फर्दर इस चीज को मैं प्रोसीड कर सकती हूँ एक्स इज इक्वल टू वाई रेफरेंस क्या है कि मेरे पास एफ क्या है वो वन वन है गिवन है मुझे दिया गया है ऊपर ये देखिए एफ आपके पास वन वन है और अगर कोई चीज़ वन वन हो मतलब ये एफ वन वन है तो इसके अंदर वाली जो प्री इमेजेस हैं वो भी आपस में क्या होंगी इक्वल अब जरा गौर करें फर्स्ट स्टेप को आप लास्ट स्टेप के साथ मैच करें मतलब इस स्टेप को और इस स्टेप को आप कंबाइन करें ऑफ एफ एक्स पर ऑपरेट हो रहा है ऑफ एफ वाई पर ऑपरेट हो रहा है यहां से स्टार्ट लिए एंड पॉइंट आपका ये आ गया तो ये रेड वाली चीज प्रूव नहीं होगी अगर ये रेड वाली चीज प्रूव होगी तो फिर हम क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास जी ऑफ एफ है वो भी आपके पास क्या आ चुका है फंक्शन बन चुका है इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास क्या है इफ एफ एंड जी आर ऑन टू अब की बार उसने क्या कह दी है कि वो आपके पास ऑन टू है तो आपने प्रूव करना है जी ऑफ एफ एफ बेसिकली कंपोजिशन ऑन टू तो दूसरे अल्फाज में ये क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म में के प्रूव दैट कंपोजिशन ऑफ टू ऑन टू फंक्शन इज अगेन ऑन टू ठीक है अब पहले मैं आपको यहां पर रफ वर्क में बता रही हूं कि की कंडीशन क्या है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं अच्छा ऑन टू की डेफिनेशन ये थी कि फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू टारगेट सेट बी देर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू डोमेन ए सच दैट कि आप क्या लिख सकें कि डोमेन के एलिमेंट पर जब आप एफ लगाएं ऑपरेट करें तो आंसर आपका बी आए ठीक है ये अब इस केस में आपने क्या करना है आपने जी ऑफ एफ को ऑन टू प्रूव करना है ये डेफिनेशन मैंने लिखी है एफ इज ऑन टू इसको ही रिलेट करते हुए अगर मैं आगे प्रोसीड करूं कि ऑफ एफ ऑन टू है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि आपके पास क्या हो फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू सी क्योंकि कंपोजिशन कहां से कहां तक डिफाइन होगी आपकी ए से सी तक तो टारगेट सेट आपका सी बनेगा कंपोजिशन का मैं यहां पर लिख देती हूं यहां पर तो मैं चलो प्रूव करूंगी यहां पर लिख देती हूँ जी ऑफ एफ आपका कहां से कहां तक होगा ए से सी ठीक है तो टारगेट सेट से आपका स्मॉल सी आ गया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके एलिमेंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए किस में डोमेन ए में इस तरीके से कि जब आप उस पर जी ऑफ एफ ऑपरेट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या बनना चाहिए आंसर आपके पास सी बनना चाहिए अगर ये जो ब्लैक में चीज लिखी है ये अगर आप फुलफिल कर लेते हैं तो ये थ्योरम आपका प्रूव हो जाएगा बहुत सिंपल है आपको स्टार्टिंग पॉइंट नजर आ गया है ठीक है लेट सी बिलोंग्स टू सी सी किस से बिलोंग कर रहा है सी से, सेमेंट है तो यहां से मैं फिर ये लिख सकती हूँ क्या यहां से एलिमेंट लिया ठीक है सी बिलोंग टू सी सी बिलोंग्स टू सी इसका मतलब है कि मैं इसको लिख सकती हूँ जी ऑफ बी इज इक्वल टू सी और रेफरेंस क्यू क्या दिया है रेफरेंस ये है कि जी इज ऑन टू क्योंकि जी ऑन टू है इस पोर्शन को देखें अगर जी आपके पास ऑन टू हो तो इस एलिमेंट के लिए यहां पर कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए इस तरीके से कि जब उस पर जी ऑपरेट हो तो आंसर इसका एलिमेंट बने तो वही मैंने लिखा और रेफरेंस मैंने बता दिया कि जी आपके पास क्या है ऑन टू है ठीक है आगे फर्दर मैं आप क्या कह सकती हूं अब मैं इसको मजीद ये लिख सकती हूं एफ आपके पास क्या है ऑन टू है एफ भी आपके पास क्या है ऑन टू तो आप क्या कर सकते हैं एफ भी आपके पास ऑन टू है तो आप ये लिख सकते हैं सेंस एफ इज ऑल्सो ऑन टू तो क्या होगा देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट कि आप क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए आपका किसके इक्वल आ जाए बी के इक्वल आ जाए मीन्स आप क्या करेंगे यहाँ से बी की वैल्यू इसमें सबसे च्यूट करेंगे आपके पास क्या बन जाएगा जी बी की जगह आप क्या लगाएंगे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी ठीक हो गई बात तो मैंने आपको यही प्रूव करने के लिए दिया था कि आप जब जी ऑफ एफ और इसको फर्दर आप क्या कर दें कंपोजिशन की फॉर्म में लिख लें तो जी ऑफ एफ जब ऑपरेट होगा किस पर ए पर तो आंसर क्या आ गया सी तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट आपने सी से लिया था और एंडिंग पॉइंट आपके पास ये आ चुका है तो यहाँ से मैं फिर क्या लिख सकती हूँ यहाँ से मैं ये लिख सकती हूँ कि जी ऑफ एफ इज ऑन टू ठीक है

तो आपने ये प्रूव करना है फिर ये जो सेकंड नंबर पर होगा ये वन वन हुआ करेगा जो सेकंड नंबर पर होगा वो क्या होगा आपके पास वन वन हुआ करेगा तो हम इसका इसका प्रूव करते हैं प्रूफ बहुत सिंपल है सिंपल फॉर्म में इसको डिराइव किया है हम कंट्रेड सपोज कर लेते हैं सपोज दैट क्या सपोज करते हैं दैट एफ इज नॉट वन वन कि एफ आपके पास वन वन नहीं है ठीक है अगर ये वन वन नहीं है तो फिर क्या होगा देन फॉर एक्स वाई बिलोंग टू ए सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू वाई हमारे पास क्या होगा वी हैव एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई मैंने आपको बताया था कि वन वन अगर प्रूव करना है तो दोनों एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन आता है और अगर आपने वन वन प्रूव नहीं करना तो कहीं एक साइड पर आपके पास नॉट इक्वल टू का साइन एग्जिस्ट करता है तो दो डिस्टिंक्ट इसका मतलब होता है दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स की इमेजेस मुख्तलिफ नहीं है तो मतलब वो वन वन आपके पास नहीं है अब देखें कि आपने इस पर जी को क्या कर देना है ऑपरेट कर देना है दिस इंप्लाइज दैट वट जी एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एफ वाई ये होगी बात इस तरीके से अब इस चीज को फर्दर आप क्या कर सकते हैं इस चीज को फर्दर आप ये लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स ज इक्वल टू जी ऑफ एफ वाई जरा गौर करें स्टार्टिंग पॉइंट आप ये लें ये एंडिंग पॉइंट आप ये लें मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है एंडिंग पॉइंट आपका ये है मतलब दो डिस्टिंग दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए उनकी इमेजेस तो इक्वल आई पड़ी है यहां पर क्या आई पड़ी है उनकी इमेजेस इक्वल आई पड़ी है तो इधर से तो हमें यह पता चल गया कि जी ऑफ एफ इज नॉट वन वन इज नॉट वन वन लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन नहीं है कंट्राडिक्शन किस की है कंट्राडिक्शन इसकी है क्योंकि उसने गिवन में तो हमें दिया हुआ है कि जी ऑफ एफ तो वन वन है तो हम क्या लिख सकते हैं विच इज कंट्राडिक्शन विच इज कंट्राडिक्शन टू दैक्ट कौन से फैक्ट टू द फैक्ट दैट जी ऑफ एफ इज वन ठीक है सो आर सपोजिशन इज रोंग हमारी सपोजिशन क्या हो चुकी है सो आर सपोजिशन इज रोंग हेंस क्या होगा फिर एफ इज सपोजिशन हमारी ये थी कि एफ वन वन नहीं है तो वो गलत हो चुकी है जिसका तो मतलब एफ वन वन है सो द्लाइज एट एफ एज वन वन तो यही आपने प्रूव करना था नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन का बी पार्ट है वो ये है कि अगर आपके पास फंक्शन ए से बी है और जी जो है वो बी से सी फंक्शन है अगर आपके पास इन फंक्शन की कंपोजिशन जो है वो ऑन टू है मतलब कंपोजिशन आपके पास क्या है ऑन टू तो फिर आप ये प्रूव करें जो पहले नंबर वाला फंक्शन है वो भी आपके पास ऑन टू होगा पहले नंबर वाला मतलब जी को आपने ऑन टू प्रूव करना है तो इसका प्रूफ बहुत सिंपल सा है करते हैं इफ़ ए बिलोंग्स टू ए देन फिर क्या होगा हमारे पास जी ऑफ एफ ए किसके इक्वल आएगा जी ऑफ एफ ए विल बी इक्वल टू वाट जी एफ ए अब जरा यहाँ पर आपने गौर करना है कि आपके पास एफ ऑफ ए किसका एलिमेंट है एफ ऑफ एलिमेंट है बी का क्योंकि ए इसका एलिमेंट था जब उस पर एफ ऑपरेट हुआ तो वो किसका एलिमेंट हो गया बी का एलिमेंट हो गया तो यहां पर मैं इस चीज को लिख सकती हूँ फिर ये चीज सारी की कि, सारी किससे बिलोंग करेगी ये बिलोंग करेगी जी ऑफ बी से किससे बिलोंग करेगी ये सारी चीज जी ऑफ बी से बिलोंग करेगी यहां पर देखें ये स्मॉल ए है इसका मतलब है ये एलिमेंट है ठीक है एलिमेंट है तो यहां से मैंने ये रिलेशन निकाल लिया ऑफ एफ ए बिलोंग एलिमेंट के लिए आप बिलोंग्स टू ये वाला साइन यूज करते हैं जी ऑफ पी लेकिन अगर मैंने इस बिलोंग्स टू के साइन को यहां से रिप्लेस करना है तो मुझे इस एलिमेंट को भी यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा अगर मैं इस जी ऑफ एफ एलिमेंट ए की जगह सेट सारा का सारा लिख देती हूँ तो ये साइन मेरे पास चेंज हो जाएगा और वो साइड चेंज होगा कंटेनमेंट के रिलेशन में किसके रिलेशन में कंटेनमेंट क्योंकि ये भी सेट है और ये भी सेट है और सेट एक दूसरे के अंदर कंटेन करते हैं इसको आप स्टैरिक का नाम दे के क्या कर दें स्टॉप कर दें हमने प्रूव ये करना है कि आपके पास जी जो है वो ऑन टू है हम सपोज कर लेते हैं कि वो ऑन टू नहीं है सपोज जी इज नॉट ऑन टू के जी आपके पास ऑन टू नहीं है अगर तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि ऑन टू होने का मतलब इस लेक्चर में बताया प्रीवियस में बताया है कि ऑन टू होने का मतलब है टारगेट सेट सारा का सारा इस्तेमाल हो ठीक है मतलब इमेज सेट जो है और टारगेट सेट जो है ये आपस में इक्वल आ जाए मतलब ये एक दूसरे के इम प्रॉपर सबसेट्स आ जाए दोनों बराबर हो जाए ठीक है तो तब आप क्या कहते हैं कि फंक्शन आपके पास क्या है ऑन टू है मतलब जब आप ये मैं सेपरेटली वर्क में लिख रही हूं जब कोई चीज ऑन टू होती है फॉर एग्जांपल एफ आपके पास ऑन टू है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो जी ऑफ बी ये जो आपके पास इमेज सेट बना है जी बी का मतलब है इमेज सेट ये सारा का सारा किसके इक्वल आ गया है ये टारगेट सेट बी के इक्वल आ गया तब मैंने यहां पर क्या कौन सा साइन लगाया इम प्रॉपर कंटेनमेंट का साइन लगाया ये तब होती है बात जब ऑन टू हो लेकिन यहां पर ऑन टू नहीं है ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब है ये इम प्रॉपर का साइन ही होगा किसका साइन होगा प्रॉपर का साइन होगा तो मतलब मैं यहां लिख सकती हूँ कि फिर जी के लिए देखें आपकी बात जी के लिए जी ऑफ बी सबसेट ये वाला साइन आएगा क्यों क्योंकि वो ऑन टू नहीं है अगर ऑन टू होता तो यहां लाइन लगती किसका टारगेट सेट सी का ठीक हो गई बात अच्छा यहां पर अगर आप गौर करें तो ये प्रॉपर कंटेनमेंट है ये इम प्रॉपर कंटेनमेंट है ठीक है अब जरा इनको मिलाते हैं स्टेरिक और डबल स्टेरिक को आप मिला लें बेशक आप इसको डबल स्टेरिक का नाम दे लें ये चीज़ इसमें कंटेन रही है वो चीज़ इसमें कंटेन रही है इसको डबल स्टैरिक का नाम दे के आप लिख दें बाय स्टैरिक एंड डबल स्टैरिक कंबाइन करने लगी हूँ मैं जी ऑफ एफ ए प्रॉपरली कंटेन्ड इन सॉरी इम प्रॉपरली कंटेन इन जी बी और जी बी प्रॉपरली कंटेन इन सी तो इसका क्या मतलब हो गया कि जी ऑफ एफ एम प्रॉपरली की जगह प्रॉपरली कंटेन आ गया सी यहां से हमें क्या कंक्लूड हमने किया यहां से तो हमें ये डेफिनेशन मिल गई है किसकी कि जी ऑफ एफ इज नॉट ऑन टू क्योंकि यहां पर देखें इक्वल टू का साइन ही आया प्रॉपर का साइन नहीं आया तो जी ऑफ एफ ऑन टू नहीं है ये तो कंट्राडिक्शन है किसकी इस चीज की क्योंकि उसने तो हमें बोला हुआ है कि जी तो आपके पास क्या है ऑन टू तो यहाँ पर आप वही वर्ड्स लिख लें विच इज कंट्राडिक्शन कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट फैक्ट कौन सा होगा दैट जी ऑफ एफ इज ऑन टू सो आर सपोजिशन इज रॉन्ग वो आपने खुद लिख लेना है सो आर सपोजिशन इज रॉन्ग हेंस क्या हो जाएगा आपके पास जी इज ऑन टू जी आपके पास क्या हो गया डियर व्यूवर्स डेट सेट दिस वॉज अ लेक्चर रिलेटेड टू द सेट थ्यूरी होप यू हैव अंडरस्टुड ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस इन दिस लेक् वेलकम इन अमेंट सेक्शन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ कीप अस इन यूर पिशियडिक्स